ये सेकंड शॉप है संजय सर का, जिसमें उन्होंने पूरा डॉग्स एंड कैट्स का ही पूरा सेटअप करके रखा है, क्योंकि इनका पूरा फोकस मेन थिंग डॉग्स से ही था शायद तक, क्योंकि 9 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। और जैसा संजय सर ने पहले बता चुके हैं हमको कि हॉबी भी इनकी यही है, पैशन भी यही था इनका। और संजय सर के पास जो क्या, संजय सर खुद ही बताएंगे ये सर्टिफाइड है कुछ? हाँ, अपना पेट शॉप सर्टिफाइड है, अपने गवर्नमेंट का सर्टिफिकेशन है अपने पास। ओके, जस्ट डायल का भी है आपके पास? यस, जस्ट डायल में मेरा 4.5 स्टार है। 4.5 स्टार, लेकिन अभी शायद तक ये शॉप अभी रिसेंटली किया है। यस yes. ये वो शॉप था वो आपका पहले से था? यस yes. और आइए कुछ डॉग्स के रिगार्डिंग कुछ आप प्रेफर करिए। जैसे भी मैंने आपको बताया कि मेरे मोर देन 800 डॉग्स अभी तक सेल किए हैं। यस yes. तो जो भी सेल किया है उसको प्रॉपरली गाइड किया है। अभी आज भी आप मेरे रिव्यूज देख लेंगे, आपको गूगल पे भी मिलेंगे, जस्ट डायल पे भी मिलेंगे, या पर्सनल रिव्यूज भी हैं। तो पपी देना ही बिजनेस नहीं है, क्योंकि जो पपी ले रहा है उसको वो एक बच्चा ले रहा है, बच्चा ले रहा है। यस, इस लाइक ए चाइल्ड। तो उस चाइल्ड का केयरिंग कैसा करना है, हमारे माता पिता ने हमको जैसे केयरिंग किया है, हमको उससे भी बढ़िया ढंग से डॉग को केयरिंग करना पड़ता है, क्योंकि वो बोल नहीं पाता ना, वो रो पाता है। तो हमको उसकी हर एक एक्टिविटी को नोट करके, उसको प्रॉपरली गाइड करके, उसको क्या चाहिए कैसे चाहिए, वो पूरा गाइडेंस हम पपी देने के बाद हमारा शुरू होता है। एंड अगर मैंने जैसे उधर पूछा था, आपने गोल्ड फिश के सजेस्ट किया था, yes. अगर फ्रेशर और डॉग रख रहा है सबसे पहला तो कौन सा? मोस्ट पॉपुलर डॉग अपना जो अभी के है वो लैब्राडोर है। लैब्राडोर, लैब्राडोर्स आर वेरी फ्रेंडली। और अभी क्रेज जैसे जैसे अभी मैं बिजनेस में अपना फोकस ज़्यादा बढ़ा रहा हूँ, उसके अंदर सिज़ूस टॉय ब्रिड्स, क्योंकि आपका कल्चर कैसा हो गया कि फ्लैट में लोग ज़्यादा रहने लगे। यस yes. और फ्लैट में रहने की वजह से वो लार्ज डॉग प्रीफर नहीं कर पा रहे, तो वो स्पेस और स्पेस कंसर्न आ जाता है, प्लस लार्ज डॉग को वॉकिंग के लिए स्पेस भी चाहिए। तो अभी जितने भी लोग हैं वो टॉय ब्रिड्स में बहुत हैं, और अभी मार्केट में सबसे ज्यादा क्रेज है सिज़ू का। सिज़ू बीगल, डेशाउंड, लासा, फिर आपको मल्टीज, पुडल्स, ये सबका बहुत क्रेज है। जैसे हम देख सकते हैं कि अभी यहाँ एक छोटा सा प्यारा सा पप्पी भी है, इसका नाम ये डेशाउंड। यस, ये पप्पी छोटे और लार्ज साइज में होते हैं, पर इनकी हाइट जस्ट 1.5 फुट से ज़्यादा नहीं होती। 1.5 फुट से ज़्यादा और 18 इंचेस इनकी हाइट आती है मैक्सिमम। यस yes. और इसका प्राइस क्या रहने वाला है? ये इस पप्पी की कीमत 12,000 रुपये। 12,000, लेकिन अगर कोई अपना वीडियो देख के आता है तो कुछ एडिशनल डिस्काउंट्स तो कर देंगे। और फूड्स में प्रिफरिंग कुछ? फूड्स में हर कैटेगरी का अपना अपना प्रोटीन परसेंटेज है, और अपना हर फूड का पैलेटेबिलिटी अलग अलग है। और राहुल तुझे कुछ पूछना? पूछ रहा था कि ये मतलब किसे खिलाते हैं? मैं एक बार पपी लेके आया था लेब्रा का, तो मैंने ये देखा, नोटिस किया, अपन को इसका कुछ जानकारी नहीं था कि इसको कैसे खिलाते कैसे। देखा हूँ कितनी बार, जैसे हमारे घर में कोई भी छोटा बच्चा होता है तो हम क्या, पप्पा आते हैं तो, या ब्रदर आता है, छोटी बहन होती है, या दादाजी आते हैं, तो क्या करते हैं, वो एक चॉकलेट जेब में से निकालते हैं और देते हैं। ये एक टाइप का कैल्शियम का चॉकलेट्स है। आप ये जैसे लेके जाएंगे तो पप्पी को ऐसा लगता है कि मैंने कुछ एक्स्ट्रा खाया, और उसको इनरिच मिलता है, इसमें विटामिन इनरिच रहते हैं, वो आप देते ही है ना, पप्पी तुरंत उसको खाएगा। तो हर समय ऐसा नहीं लगता हम पप्पा की राह देखते हैं कि पप्पा आएंगे तो चॉकलेट लाएंगे, सेम लाएंगे। ट्रीट से ऐसा कुछ इंस्पायर होता है। और ये भी आप देख रहे हैं भैया, ये सारे ट्रीट्स हैं। ओके, सारे ट्रीट्स वगैरह। हाँ, एक्सेसरीज भी बहुत सी ज़्यादा है, डॉग्स के बेल्ट वगैरह। लेकिन आप प्रेफर करते हैं कि डॉग को हमेशा बेल्ट में रखना चाहिए कि एकदम फ्रेंडली रखना चाहिए? मैं कभी भी इस चीज़ पे एग्री नहीं हूँ कि डॉग को बेल्ट में रखा जाए। हाँ, 3.5 मंथ जब तक डॉग बड़ा नहीं होता तब तक थोड़ा सा आपको क्या बोलते हैं उसको, संघर्ष करना पड़ता है, क्योंकि वो उसके अंदर वो IQ लेवल तब तक नहीं आता है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। पर मैं आपको दिल से बोलता हूँ कि डॉग्स आर वेरी लॉयल, वेरी स्मार्ट, वेरी इंटेलिजेंट। एक बार वो आपके साथ अटैच हो गए ना,
तो आपको कमांड देने की भी जरूरत नहीं है, वो इतना समझते हैं कि वो घर में ना टॉयलेट करेंगे ना सुसु करेंगे, आप दो दिन बांधो और वो करेगा ही नहीं। संजय सर, फर्स्ट ऑफ ऑल ये ट्रेनिंग का भी कुछ आपके पास है? यस, मेरे पास हमारा है ना ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट है, दो ट्रेनर है हमारे, तो हम दो दिन का ट्रायल पीरियड कस्टमर को फ्री देते हैं। अब उसके बाद अगर कस्टमर को ऐसा लगता है कि नहीं दो दिन में उसको कुछ ना कुछ पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम ट्रेनिंग कंटिन्यू करवाते हैं। तो आप ऐसा प्रेफर करते हैं कि डॉग को ट्रेनर के पास रखना चाहिए? हाँ, मैं इस चीज़ में सपोर्ट करता हूँ कि डॉग को ट्रेनर के पास भेजना ही चाहिए। हम अपने बच्चे को जब पढ़ाई के लिए भेज सकते हैं तो ये वो भी आपका एक बच्चा, उसको पढ़ाई इसमें क्या होगा, उसमें एक डिसिप्लिन की आदत पैदा होगी। जैसे राहुल ने एक जर्मन शेपर्ड लिया था, लेकिन अभी बहुत सारे ऐसे कस्टमर हैं जो भी, जैसे आपने संजय सर ने पहले बताया था वो अपने ने कि बिजनेस और पैशन में जमीन आसमान का फर्क होता है और कुछ लोग सिर्फ बिजनेस करने के लिए लोकल्स पबी एंड मिक्स ब्रीड जो बोल सकते हैं। मैं आपको हमारी बिजनेस करने की स्टाइल बताता हूँ। हम पहले कस्टमर से ये पूछते हैं कि आपके पास क्या है, okay. आपके घर पे कितने मेंबर्स हैं, okay. कितना बड़े पास आपके प्लेइंग एरिया है, okay. या आप कौन सी कंडीशन में रह रहे हो और क्या क्या है। तो कस्टमर कई बार वरीड होते हैं कि आप हमसे ये हमारे पर्सनल सवाल क्यों कर रहे हो। मैंने कहा सर आप यहाँ पे एक चाइल्ड एडॉप्ट करने आए, okay. तो जितनी इंक्वायरी एक चाइल्ड एडॉप्ट वाला करेगा, मेरा बिजनेस है पर मेरा साथ में ये भी विजन है कि एक डॉग को अच्छा केयर टेकर चाहिए। पपी बेचना ही अपना बिजनेस का फॉर्मूला नहीं होना चाहिए, एक पपी को एक अच्छा घर देना भी अपना मोटिव है, और उसके लिए उसी की वजह से वो करते करते आज मैं 800 डॉग्स तक पहुंच चुका हूं। 800 और अभी तक जितने भी कस्टमर हैं उनके हिसाब से आपसे कोई कंप्लेन कुछ ऐसा? कंप्लेन में ये आता है कि हम है ना, हम कभी भी अपना पपीज बाय करते समय रॉन्ग सिलेक्शन करते हैं ना, जैसे हमारा घर छोटा है हमने बड़ा पपी ले लिया है तो वो आगे जाके डॉग को भी करता है। यस, डॉग भी हैप्पी नहीं रहेगा और आप भी हैप्पी नहीं रहोगे। प्लस आपके पास टाइम शेड्यूल कितना है, क्योंकि डॉग्स को हमेशा टाइम देना ही पड़ेगा। अगर आप डॉग्स को टाइम नहीं दे सकते या किसी भी पेट्स को टाइम नहीं दे सकते तो आपको कोई भी पेट बाय करने का अधिकार ही नहीं है। ये बहुत ही एकदम अच्छी बात कह दी है संजय सर ने। जैसे मैं आपको एक स्टोरी बताता हूँ संजय सर, क्योंकि ये हमने भी एक बार पपी लिया था, कुछ शॉप का उस नाम नहीं देना चाहते हम, क्यों हमने वहाँ से पपी लिया था, लेकिन हमको 15,000 रुपीज़ में जर्मन शेपर्ड, और उन्होंने कैसा कंसिडर किया था कि आपको डबल कोड का है वो, लेकिन कुछ मिक्स ब्रिड में था तो उसको हमने वापस उनको दे दिया शॉपकीपर को, और फिर हमने उससे उनसे पैसे भी नहीं लिए, ऐसा कुछ था। लेबरा से निकला था, लेबरा एकदम डबल एकदम सही कुत्ता था, जर्मन शेपर्ड में क्या वैसा डबल कोटेड, मतलब डबल कोटेड बोल के हमको वैसा दे दिया था। तो आप यहाँ संजय सर के पास आए हो, आपको मैं 100% गारंटी से कहता हूँ कि आपको हर चीज़ में ना एकदम 100% ये अपना देंगे आपको, और बहुत सारे फूड्स भी वैरायटी से, ऐसा नहीं होता कि महंगा फूड ले लो तो उसमें वो मिलता है ये मिलता है, आप उसको डॉग्स को प्यार दो ना उतना, वो उसके लिए बेस्ट होता है, लेकिन अपने सजेशन से नहीं। कुछ लोग कैसा फ्रेशर होते हैं कि नहीं मैं तो घर का खाना खिलाऊंगा। सर फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपसे सुनिए सर, आते ही एक क्वेश्चन किया था कि जर्मन शेपर्ड के वो चीज़ हम क्लिप रिकॉर्ड नहीं कर पाए, मैंने सजेस्ट किया था आपसे कि जर्मन शेपर्ड के बहुत बाल झड़ते हैं, इसके रिगार्डिंग कुछ? देखिए आपको मैं एक सिंपल एक उदाहरण देता हूँ, बाल झड़ता क्यों है फर्स्ट ऑफ ऑल वो सोचिए, क्योंकि जैसे हम रोटी देते हैं रूटीन के अंदर जनरली लोग ले जाते हैं घर पे, डॉग्स थोड़ा बड़ा हो गया, थोड़े दिन डॉग फूड खिलाया, पर ऐसा नहीं होता। हमारे खाने की रचना हमारी बॉडी के हिसाब से ही है, उनके खाने की रचना उनके हिसाब से होनी चाहिए। तो जो प्रोटीन परसेंटेज होते हैं जिसमें ओमेगा 8 ओमेगा 3 या फिश ऑयल, ये उनको देना पड़ता है, क्योंकि हम उसको उनको नेचुरल फूड नहीं दे सकते जो वो खाते हैं, क्योंकि उनका इंस्ट्रक्शन अलग होता है। यस, तो उसके लिए हम लोग फूड सप्लीमेंट देते हैं, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग, ये आप देखिए, ये सब हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, आप पढ़िएगा यहाँ, ये सब हेयर फॉल कंट्रोल करने के लिए, और यहाँ बहुत सारे शैम्पूस कंडीशनर्स, मतलब एकदम जोरदार सी चीजें हैं
ये शैम्पूस भी कंटिन्यूस में आप कभी भी कोई लोकल जिससे प्रोफेशनल ये धंधा नहीं कर रहा उसको आप बोलेंगे ना तो कोई भी शैम्पूस आपको उठा के दे देगा, पर ऐसा नहीं होता। हर ब्रिड के लिए अलग होता है। शैम्पूस में क्लीनर सपोर्ट्स अलग आते हैं, टिक्स जो आप जानते हैं छोटी छोटी जुए जो अभी जब भी सीजन चल रहा है इसके अंदर टिक्स पड़ती है वो, उसके लिए शैम्पू अलग आते हैं। रेगुलर बाथिंग का शैम्पू अलग आता है, कंडीशनर्स अलग आते हैं। ये जनरली कोई जल्दी इतना डीपली कस्टमर को समझाता नहीं है। देखो कस्टमर है ना अपने पेट के लिए, अगर उसने दिल से रखा है ना तो हजारों रुपये खर्चने के लिए रेडी है। आपने भी एक पेट किया है, आप जैसे बता रहे कि आपने एक जर्मन शेपर्ड लिया था, तो आप उसके लिए हजारों रुपये खर्च करने के लिए रेडी हैं। तो हमारा मोटिव, हमारी दुकान का पर्पज यही है कि आपने अगर एक रुपया भी अपनी मेहनत का हमको दिया है तो मेरा फर्ज है कि उसको 100% रिटर्न देना। वो चाहे सप्लीमेंट हो चाहे मेरी गाइड हो, मैं आधी रात को भी डॉग्स के लिए कॉल आता है तो मैं अटेंड करता हूँ, और मेरा फ़ोन 24/7 और 365 डेज ऑन रहता है, और मेरी दुकान 365 डेज वर्किंग दुकान है 9:30 to 9:30। ओके 12 आवर्स ट्वेल्व आवर्स तो जैसे संजय सर ने बताया